ठीक है ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने पहले बात कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, पहले आप ये बात समझ लें सभी के सभी। देखिए बेटा, तो सबसे पहला चैप्टर जो मैंने कंप्लीट करा दिया है वो आपका रेशियो पूरा करा दिया है, जिसे हम अनुपात बोलते हैं। क्लियर है ये सबको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जिसे क्लियर नहीं हुआ वो वीडियोज़ देख ले, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर मैंने आपका पार्टनरशिप ख़त्म कर दिया है, पार्टनरशिप ख़त्म कर दिया है, जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी। बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, ये वाला चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया है। अब तीसरी बात आती है आपका, मैंने चैप्टर लिया था आपका दैट इज़ एवरेज, औसत। मैंने औसत को भी पूरा कर दिया है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद चौथा जो चैप्टर है बेटा आपका, वो परसेंटेज होता है। थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी चैप्टर है ये, परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। आई थिंक हमने ये भी चैप्टर पूरा कर दिया है। तो हमारे कितने चैप्टर पूरे हो चुके हैं बेटा? चार चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज बेसिकली आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, आज बेसिकली मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द परसेंटेज। वो पूरा पूरा परसेंटेज का एप्लीकेशन है। और किसका एप्लीकेशन है बेटा? रेशियो का। क्योंकि हमने रेशियो अच्छे से पढ़ लिया है, परसेंटेज हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो इस चैप्टर में मैं ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं बताने वाला हूँ। सिंपल सी बात है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करा के सारी चीज़ें क्वेश्चन पे ही खत्म करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए भैया, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम बोलते हैं बेटा लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है। आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को हम अगले दो दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे, टू डेज की क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे हम, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस को। क्लियर हुआ? चलिए भाई, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। जैसा कि मैं बताता हूँ तो देखो और से समझना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि, बेटा आप खुद बताइए लाभ और हानि। आप बस मुझे इतना बता दें शॉर्ट में कि लाभ का मतलब क्या होता है बेटा? लाभ का मतलब होता है प्लस और हानि का मतलब होता है माइनस। इसके अलावा सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है प्लस एंड माइनस, और प्लस और माइनस को कहा जाता है चेंज। क्या कहा जाता है बेटा? चेंज। और जहाँ चेंज आता है, क्योंकि मैंने परसेंटेज में चेंज आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप खुद बताइए कि जहाँ चेंज आएगा वहाँ कितनी वैल्यू बनेगी हमेशा? दो। बेटा गेट बंद कर दो। जहाँ चेंज आएगा वहाँ हमेशा कितनी वैल्यू बनेंगी? दो। कौन कौन सी? इनिशियल और फाइनल। क्या क्या बनेंगे बेटा? इनिशियल और फाइनल। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कभी भी लाभ आने की बात करनी है तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले कुछ काम करना पड़ेगा विच इज़ इनिशियल, और फाइनली हमें एक काम करना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड फाइनल, ठीक है। तो इनिशियली हमें क्या करना पड़ता है? तो जो इनिशियल स्टेप होता है इस चैप्टर में, उसे बोलते हैं हम खरीदना। उसे क्या कहते हैं बेटा? खरीदना। यानी कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं खरीदने की। अब आप बताइए, खरीदने जब जाओगे तो गारंटेड और गारंटेड आप क्या खरीदोगे? कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीदोगे, और क्वांटिटी खरीदने के लिए आप क्या करोगे बेटा? कुछ ना कुछ खर्चा करोगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पहले गौर से सुनते रहिए। जब आप खरीदने जाओगे तो कुछ क्वांटिटी खरीदोगे, और क्वांटिटी खरीदने के टाइम पर कुछ ना कुछ खर्चा करोगे। जो खरीदने के लिए आपने कुल खर्च किया, वही बन जाता है उस क्वांटिटी का एक मूल्य, जिसे कहा जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है बेटा? क्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि खरीदने के लिए किया गया कुल खर्च क्या कहलाता है? क्रय मूल्य, जिसे हम हिंदी में बहुत बार क्या बोल देते हैं बेटा? लागत मूल्य। क्या बोल देते हैं बेटा? हम लागत मूल्य। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आप बताइए, इसका मतलब बेसिकली जो खरीदने की इन्फॉर्मेशन है वो कितने तरह से प्रेजेंट हो सकती है बेटा? दो तरह से। एक तो क्वांटिटीज कितनी खरीदी गई हैं, और उनको खरीदने के लिए टोटल कितना पैसा खर्च किया गया है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, वन इज द क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज द प्राइस। क्लियर है? जो आपकी क्वांटिटी है वो खरीदने की क्वांटिटी को मैंने क्यू लिख दिया, और जो उनका पैसा है उसको मैंने सीपी लिख दिया, दैट इज़ अ कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में इस चीज़ को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। बोलो क्लियर हुआ? अब क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने खरीद लिया तो फाइनली अब हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉफिट और लॉस की बात कर पाएं? तो फाइनली हमें उस जो भी वस्तु हमने खरीदी है उसको हमें बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? बेचना। तो फाइनल स्टेप जो होगा वो बेचने का होगा। किसका होगा बेटा? बेचने का। अब बेचेंगे भी तो क्या करेंगे बेटा? बेचेंगे तो क्या बेचेंगे बेटा? कुछ मात्रा बेचेंगे, उस क्वांटिटी को हमने बोल दिया बेचने की मात्रा, दैट इज एस क्यू। क्या बोल दिया बेटा? एस क्यू। और इसके बाद आप जब बेचेंगे कुछ मात्रा तो उससे आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा,
जो भी पैसा मिलेगा आपको उस क्वांटिटी को बेचने पर वही मिल जाएगा, वह बन जाएगा उस वस्तु का एक मूल्य, वह बन जाएगा उस वस्तु का एक मूल्य जिसे बोला जाएगा विक्रय मूल्य। क्या बोला जाएगा बेटा? विक्रय मूल्य। सर समझ में आई बात? विक्रय मूल्य बोला जाएगा, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है सेलिंग प्राइस। क्या बोला जाता है बेटा? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर खरीदने की बात भी दो तरह से प्रेजेंट होगी, मात्रा के टर्म्स में और प्राइस के टर्म्स में, और बेचने की बात भी दो तरह से प्रेजेंट होगी, मात्रा के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में। अब आप खुद बताइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं लाभ और हानि एक चेंज है और चेंज आता है इनिशियल से फाइनल, तो अब आप बताइए चेंज की वैल्यू निकाली कैसे जाती है? बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल। अगर आप फाइनल का इनिशियल से अंतर लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कितना चेंज हुआ है, और वही चेंज वास्तव में लाभ हानि है। इसका मतलब लाभ हानि जो है वो बेचने वाली वैल्यू को खरीदने वाली वैल्यू से माइनस करने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बेचने की इन्फॉर्मेशन कितने तरह से प्रेजेंट है बेटा? दो तरह से। और खरीदने की इन्फॉर्मेशन भी कितने तरह से प्रेजेंट है? दो तरह से। इसका मतलब जो आप अंतर लेना चाह रहे हो, ये अंतर भी आपका कितने तरह से निकाला जा सकता है? दो तरह से। कैसे कैसे अंतर निकाला जा सकता है तो वो गौर से सुन लें, अब आप वो गौर से सुन लें। तो एक बार अंतर निकाला जा सकता है मात्रा का मात्रा से, अरे क्लियर है, मात्रा के टर्म्स में। और एक अंतर निकाला जा सकता है पैसे के टर्म्स में। बोलो क्लियर हुआ? इसका मतलब जो भी आपको लाभानी हो रहा है, जो भी आपको लाभानी हो रहा है, जो भी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस भी दो तरह से निकाला जा सकता है, क्वांटिटी के टर्म्स में और पैसे के टर्म्स में। किस किस के टर्म्स में बेटा? क्वांटिटी के टर्म्स में और पैसे के टर्म्स में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से समझना बेटा प्लीज। देखिए, तो ये जो लाभ हानि है ये क्वांटिटी के टर्म्स में भी हो सकता है और रुपए के टर्म्स में भी हो सकता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर होगी? आप कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब जो लाभ हानि है, जो बेसिकली लाभ हानि है बेटा, वो कितने तरह से निकाली जा सकती है? दो तरह से। तो एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में बेसिकली जो कैलकुलेशंस होती है, अगर मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की बात करूं, अगर मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की अगर बात करूं, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस अगर किसकी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस की जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन दो तरह से की जा सकती है। कैसे कैसे? इन टर्म्स ऑफ रुपीस और आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सही बात है या नहीं है? लेकिन आप बताइए, क्योंकि लाभ हानि एक चेंज है और चेंज हमेशा किस पे निकलता है बेटा? इनिशियल पे। किस पे निकाला जाता है? इनिशियल पे। और इनिशियल का प्राइस कौन सा है बेटा, ये बता दीजिए जल्दी फास्ट। तो इनिशियल का प्राइस कौन सा है बेटा? आपका क्रय मूल्य। इसका मतलब ध्यान रखना कि हमेशा वास्तविक लाभ हानि जो रुपए के टर्म्स में होगा वो किस पर निकाला जाएगा बेटा? सीपी पर। क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो आप हमेशा सारी कैलकुलेशन किस पे सेट करेंगे बेटा? सीपी पर। बोलो यहाँ बात क्लियर है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप खुद बताइए क्वांटिटी की कैलकुलेशन, अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो ये वाला जो कैलकुलेशन होगा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन क्वांटिटी के टर्म्स में किस पर होगी, ये बात देख लीजिए। तो एक बात पहले एक बात और बता देता हूँ, वो बात समझिए बेटा। आप ये बताइए कि आप सभी के सभी जानते हो, पिछले वाले के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य इनटू खपत माने क्वांटिटी। तो बेटा आप बताइए मूल्य जो होगा, क्योंकि मूल्य दो तरह का है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दो तरह का है, क्वांटिटी भी दो तरह की, लेकिन खर्चा कांस्टेंट है। तो बताइए मूल्य जो होगा वो क्वांटिटी के कैसा होगा? तो क्वांटिटी के वो इनवर्स होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब यह है कि जो बात मूल्य के लिए सेट होगी उसका उल्टा बात कहाँ सेट होगी बेटा? क्वांटिटी। इसका मतलब एक बात और सुन लीजिए, एक बहुत बड़ी शॉर्टकट बता रहा हूँ कि मूल्य और रुपए, रुपए और क्वांटिटी हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के उल्टे। बस इस बात को ध्यान रख लेना, क्वेश्चन एक सेकंड में खत्म होगा। अरे बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि मूल्य क्वांटिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि रुपए का उल्टा करेंगे तो क्वांटिटी मिलेगा, क्वांटिटी का उल्टा करेंगे तो रुपए मिलेगा। तो बेटा आप बताइए एक इंपॉर्टेंट बात प्लीज, इस बात को उल्टा वाली बात को समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस उल्टे वाली बात को मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए रुपए की अगर बात करूँ, तो आप बताइए रुपए में अगर बात करूँ तो सीपी और एसपी की बात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ 4 रुपए में वस्तु खरीदी और 5 रुपए में बेची, तो आप बताइए इस 4 और 5 का अगर मैं उल्टा कर दूँ तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा? आप बताइए क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात इन्फॉर्मेशन निकल आएगी। तो इस 4-5 को उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 5:4। आप बताइए 4 से अगर 5 हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है बेटा? आप बोलेंगे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और रुपए में जो लाभ है वो हमेशा किस पे निकलेगा बेटा? सीपी। तो यानी कि बात किस पे सेट होगी बेटा? 4 पर। लेकिन जैसे ही आप इसे उल्टा करेंगे तो यही 4 क्या बन जाएगा बेटा? बेचने की मात्रा या खरीदने की मात्रा? बेचने की मात्रा। तो इसका मतलब लाभ तो हमेशा डिफाइंड तो एक ही वैल्यू पर होगा,
लेकिन जब हम उस रुपए को उल्टा कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है बेटा, वो क्वांटिटी। और कौन सी क्वांटिटी बन जा रहा है, बेचने की मात्रा या खरीदने की मात्रा, बेचने की। इसका मतलब मात्रा के टर्म्स में, अगर इसका मतलब मात्रा के टर्म्स में अगर कभी हमें लाभ हानि निकालना हो तो बेचने वाली मात्रा पर निकालेंगे या खरीदने की वाली मात्रा पर निकालेंगे, बेचने वाली मात्रा पर, बेचने वाली मात्रा पर। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा सीपी पर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ये कैलकुलेट होगा एस क्यू पर। किस पर कैलकुलेट होगा, एस क्यू पर। क्यों, क्योंकि रुपए का उल्टा जब हम करते हैं तो वो वही सीपी क्या बन जाता है बेटा, एस। बोलो क्लियर है, एस पी नहीं एस क्यू, एस पी नहीं एस क्यू, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। और अगर क्वांटिटी का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, वो रुपए बन जाएगा। तो दो मेरी बात मोटी मोटी ध्यान रख लो, क्वेश्चन सारे खत्म है, क्वेश्चन सारे खत्म है। क्या क्या, दो मोटी मोटी बात ध्यान रखो कि आपको मैं बस जो मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है इस बात को समझते रहना, बस मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ सारी बातें। देखिए भाई, इस चैप्टर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है प्लस एंड माइनस, और क्योंकि प्लस एंड माइनस होता है एक चेंज, और जहाँ चेंज आता है वहाँ हमेशा कितनी वैल्यू बनती है बेटा, दो। कौन कौन सी, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेटा वही हमें क्या बताता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वही क्या बताएगा मैं, चेंज। चेंज का मतलब वही क्या बताएगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इनिशियल स्टेप क्या होता है बेटा, खरीदने का। इनिशियल स्टेप क्या होता है, खरीदने का। और फाइनल स्टेप क्या होता है, बेचने का। लेकिन आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी, खरीदने की इंफॉर्मेशन भी कितने तरह से प्रेजेंट होगी, दो तरह से, क्योंकि आप खरीदोगे मात्रा, पैसा खर्च करोगे तो कुछ प्राइस। बोलो क्लियर है, तो क्वांटिटी हो गई खरीदने की, और उसका जो पैसा है वो बन गया आपका सीपी। क्या बन गया बेटा, सीपी। और बेचने की बात भी दो तरह से प्रेजेंट होगी, क्योंकि आप कुछ क्वांटिटी बेचेंगे दैट इज एस क्यू, बेचने की मात्रा, और उसको पैसा जो खर्च करेंगे उसे बोलेंगे एसपी। क्या बोलेंगे बेटा, एसपी। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, आप बताओ अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस भी कितने तरह से प्रेजेंट हो सकता है, दो तरह से, या तो क्वांटिटी के टर्म्स में डिफरेंस निकालो या फिर रुपए के टर्म्स में निकालो। लेकिन अगर रुपए के टर्म्स में अगर डिफरेंस निकाल रहे हो, अगर आप रुपए के टर्म्स में डिफरेंस निकाल रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा किस पे निकाला जाएगा बेटा, सीपी पर, क्योंकि वही इनिशियल वैल्यू है। अरे क्लियर है। और इसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्वांटिटी में प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकलेगा बेटा, एस के ऊपर। तो मैंने बस ये बोला कि क्वांटिटी का अगर उल्टा करोगे, क्वांटिटी का अगर उल्टा करोगे तो बात कहाँ सेट होगी, रुपए में। और इस रुपए का अगर उल्टा करोगे तो बात कहाँ सेट होगी, क्वांटिटी में। तो बताइए रुपए की बात कैसे कैसे सेट होती है, हेलो, रुपए में बात कैसे कैसे सेट होती है। तो रुपए में बात सेट होती है सीपी से एसपी। कैसे सेट होती है बेटा, सीपी से एसपी। और जो भी चेंज है वो किस पे निकाला जाएगा बेटा, सीपी पर। लेकिन इसका जब हम उल्टा करेंगे तो क्या बात कहाँ सेट होगी बेटा, क्वांटिटी पर। तो जब ये इसे हम उल्टा कर रहे होंगे तो यही सीपी क्या बन जाएगा बेटा, उल्टा करने पर एस क्यू। तो यही बन जाएगा आपका एस क्यू। बोलो क्लियर है। और जो भी, और ये एसपी क्या बन जाएगा बेटा, सी क्यू। तो आपका जो भी लाभ आनी है वो निकलना सीपी पर है, तो यहाँ पर वो क्वांटिटी में क्या बन चुका है, एस क्यू। तो बस दो बात ध्यान रखें कि रुपए के टर्म्स में तो लाभ आनी निकलेगा किस पर बेटा, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है किस पर बेटा, सीपी पर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बेटा बताइए प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकलेगा, दैट इज एस क्यू। बस ये दो पॉइंट आप याद रखना, सारा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है, बात खत्म, दैट्स इट। ये दो पॉइंट अगर आपको याद है, चीजें खत्म। बोलो थ्योरी समझ आ गई सबको, थ्योरी समझ आ गई सबको। अगर थ्योरी क्लियर हो गई हो तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ गौर से। अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बेस के लिए हम क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी, और दो दो बार क्लियर कर दी है ना, एक एक बार नहीं, दो दो बार क्लियर कर दी मैंने। अब आप प्लीज़ एक बार नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट, एक मिनट में आपको दे रहा हूँ नोट करने के लिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी फास्ट।
हेलो, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूँ, वो गौर से सुन लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए, या तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए या फिर पैसा सेम होना चाहिए, या तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए या पैसा सेम होनी चाहिए। अब ये मैंने क्या बोल दिया, इस बात को मैं आपको समझा रहा हूँ, गौर से सुनना। हेलो, इस बात को मैं आपको गौर से समझा रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं पहला एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ जिसमें क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लूंगा जिसमें रुपीज सेम रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल वो लूंगा जिसमें क्वांटिटी एंड रुपीज दोनों के दोनों ही डिफरेंट रहेंगे। बस ये तीन एग्जाम्पल समझ लेना, पूरी चैप्टर समझ आ जाएगा आपको कि क्या है। मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको सारी बातें समझा रहा हूँ कि मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए या तो क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए या फिर रुपीज सेम रहना चाहिए या फिर दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बातें समझा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो गौर से सुनिए। मैंने ये कहा कि भाई आप खुद बताइए, खरीदने, पहला एग्जाम्पल समझना, खरीद कर बेचने की बात होगी तभी तो बात प्रॉफिट एंड लॉस की जाएगी। पहले आप खरीदोगे उसके बाद बेचोगे तभी तो आप लाभ आने की बात कर पाओगे। लेकिन खरीदने और बेचने की बात दो तरह से हो सकती है, मात्रा के प्रेजेंट, मात्रा के फॉर्म में भी और रुपए के फॉर्म में भी। अब मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, मान लीजिए आपने 5 वस्तुएं खरीदी और आपने पैसा खर्च किया 10 रुपए। कितना खर्च किया? 10 रुपए। आप बताइए, आपने मान लीजिए 5 क्वांटिटी ही बेच दी लेकिन आपने पैसा आपको मिला 12 रुपए। बोलो क्लियर हुआ? अब आपको ये बताना है कि आपको कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 वस्तुएं 10 रुपए में खरीद कर आपने 5 वस्तुएं 12 रुपए में बेच दी और बताइए लाभ हानि क्या हुआ, तो बेटा आप बताओ आपका दिमाग खुद पे खुद ऑटोमेटिक रुपए में चल रहा होगा, यानी कि लाभ हो रहा है 2 रुपए का। क्यों क्यों रुपए में चल रहा है? क्योंकि क्वांटिटी ऑटोमेटिक पहले से क्या है दोनों केस में सेम। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी अगर सेम है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हमेशा किस में की जाएगी? रुपए में। और ये डायरेक्ट कैलकुलेशन रुपए में तभी हो सकती है जब एक पैरामीटर क्वांटिटी क्या हो गया आपका? सेम। तो आप कहेंगे यार जो पैरामीटर सेम है, एक पैरामीटर सेम होना चाहिए वो क्वांटिटी है, और जो सेम है उसको हटा दीजिए, कैलकुलेशन दूसरे पैरामीटर में कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो 10 रुपए की खरीदी 12 रुपए की बेची तो 2 का लाभ हुआ, और 2 का लाभ रुपए के टर्म्स में किस पर निकलेगा? सीपी। तो आप बोलेंगे 2 रुपए का लाभ कितने पर बेटा? 10 पर, और गुणा 100 कर देंगे तो 0 से 0 काटेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा 20% प्रॉफिट। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? तो हमारा आंसर रुपए में हो गया और रुपए में बात क्लियर हो गई। आपने कहा सर बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन अब दूसरा केस समझना, दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ समझना। खरीदना देन बेचना, खरीदना देन बेचना। अब मैं रुपए को सेम रखूंगा, आप बताओ खरीदने और बेचने की इन्फॉर्मेशन दो तरह से प्रेजेंट हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आप बताइए, मैंने बोला 5 रुपए की खरीद, 5 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए में खरीदी, 5 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी और आपने 6 वस्तुएं 10 रुपए में ही बेच दी। मैंने अब ये एग्जाम्पल ले लिया और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट की हानि हुई। तो बेटा एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि 5 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी और आपने 6 वस्तुएं 10 रुपए में बेची, बताओ आपको लाभ हुआ या हानि हुई? तो आपका सीधा सीधा कैलकुलेशन दिमाग की ऑटोमेटिक, मेरे बिना कहे आपकी कैलकुलेशन वस्तुओं के टर्म्स में चल रही होगी। सही बात है या नहीं है? आप रुपए में कैलकुलेशन एक भी नहीं कर रहा होगा जो लाइव पे बैठा होगा। पता है क्यों? क्योंकि रुपया देखो दोनों कंडीशन में सेम है, खरीदने और बेचने का रुपया अगर सेम है तो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी जो सेम है, कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी जो डिफरेंट है। अरे क्लियर है? तो इसका मतलब अगर रुपया सेम है तो रुपए को हटा दो, डायरेक्ट आंसर क्वांटिटी से कर दो, क्योंकि मैंने आपको केसेस तो दोनों ही समझा दिए ना। कैलकुलेशन डायरेक्ट क्वांटिटी में करना चाहो तो क्वांटिटी में कर लेना, रुपए में करना चाहो तो रुपए में कर लेना। तो बताओ 5 वस्तुएं खरीदी और 6 वस्तुएं बेची, तो ज्यादा बेच दी कम बेच दी? तो आप कहेंगे ज्यादा बेच दी। कितनी ज्यादा बेच दी बेटा? 1। तो 1 का क्या हो गया? लॉस। लेकिन क्वांटिटी के टर्म्स में लॉस और प्रॉफिट निकाला किस पे जाएगा? बेचने की मात्रा या खरीदने की मात्रा? बेचने की मात्रा। बस इतना ध्यान रखना, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपके लॉस की अगर परसेंटेज निकालूं तो आप बोलेंगे 1 का लॉस हुआ कितने बेचने पर? 6। और 1/6 की परसेंटेज क्या होती है? 16। सही, 2/3%। बस मैं यही कहना चाहता था, आपको शायद सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब अगर कैलकुलेशन रुपए में हो रही है तो बात सीपी पर सेट होगी, अगर रुपए कैलकुलेशन रुपए में हो रही है तो बात सीपी पर सेट होगी, अगर बात कैलकुलेशन क्वांटिटी में हो रही है तो बात एसक्यू पर सेट होगी। बोलो क्लियर हुआ? बेचने की मात्रा पर। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? और कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे जब एक पैरामीटर सेम है। अगर क्वांटिटी सेम है तो बात कैलकुलेशन रुपए में कर दो, अगर रुपा सेम है तो कैलकुलेशन क्वांटिटी में कर दो। लेकिन अब एक तीसरा एग्जांपल हमें एक बेहतरीन एग्जांपल बोल लेते हैं कि जिस केस में अगर दोनों ही डिफरेंट हो जाए तो फिर क्या करें। तो एग्जाम्पल समझना बेटा नेक्स्ट। देखो जैसे मैंने कहा कि खरीदने और बेचने वाली बात है, भाई लाभ आने की बात तो तभी होगी जब खरीद कर बेचेंगे हम। तो आप बताइए क्वांटिटी और रुपए। अब आप बताइए बेटा, हेलो, अगर मैंने ये कहा कि आपने 5 वस्तुएं खरीदी और आपने 10 रुपए में खरीदी, तो क्वांटिटी खरीदने की 5 है
रुपया खर्च किया आपने 10 रुपए, लेकिन मैंने कहा कि आपने 6 वस्तुएं बेची और आपने 6 वस्तुएं बेचकर 12 रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 12 रुपए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बताइए आपका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो इसका मतलब अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, 5 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए में, 6 वस्तुएं बेची 12 रुपए में, तो आप रुपए के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आपको लाभ होता नजर आ रहा होगा, 10 की वस्तु 12 में गई। लेकिन आप अगर क्वांटिटी को देख रहे हैं तो 5 वस्तुओं खरीद के अगर 6 बेच रहा है तो आपको लॉस नजर आ रहा होगा। आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया होगा कि यार अब क्या करूं, प्रॉफिट भी हो रहा है और एक केस कह रहा है लॉस हो रहा है, तो अब क्या आंसर करूं, तो आप कंफ्यूज हो गए ना। पता है कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि इस केस के अंदर ना तो क्वांटिटी सेम है ना पैसा सेम है। बोलो क्लियर हुआ? तो मैंने यही बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हुई तब सकती है जब या तो क्वांटिटी सेम हो या पैसा सेम हो, बट यहां पर तो कोई भी सेम नहीं है। अगर कोई भी सेम ना हो तो समझ जाइए हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे भी खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर कैसे, तो इस बात को गौर से सुन लीजिए, अगर कोई भी सेम ना हो तो आप क्वेश्चन को दोनों तरह से खत्म कर सकते हैं, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। या तो आप क्वांटिटी को सेम बना लो, या तो आप क्वांटिटी को सेम बना लो, या फिर आप रुपए को सेम बना लो। बोलो क्लियर हुआ क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। बोलो समझ में आई बात? अब आप ये बताइए बेटा अगर क्वांटिटी को सेम करें, अब क्वांटिटी को समझना गौर से, आप बताइए क्वांटिटी खरीदने की और रुपया खरीदने का, अब समझना, 5 क्वांटिटी खरीदी 10 रुपए में खरीदी, आपने 6 क्वांटिटी बेची 12 रुपए में बेची, आप क्या सेम करना चाह रहे हो बेटा? क्वांटिटी। तो 5 और 6 अगर बराबर करने तो यहाँ 6 गुना करना पड़ेगा और यहाँ 5 गुना, आप बताओ 30-30 बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर अगर ये 6 गुना हुआ है तो ये भी तो 6 गुना होगा, अगर ये 5 गुना हुआ है तो गारंटेड ये भी तो 5 गुना होगा। अब देखो क्वांटिटी अगर सेम हो गई तो आप यही वाली कंडीशन को सीधा बोल सकते हैं कि 30 वस्तुएं खरीद गई 60 रुपए में और 30 वस्तुएं बेची गई 60 रुपए में। अरे क्लियर हुआ? तो आप खुद बताइए 60 रुपए में खरीद कर अगर 60 रुपए में बेची तो कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस? तो आप कहेंगे 0। तो आंसर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो क्लियर है सर, समझ में आई बात? लेकिन आप खुद बताइए अगर इस क्वेश्चन को आप चाहते तो आप रुपए को भी सेम करके कर सकते थे, तो रुपए को सेम करके देखो। देखो क्वांटिटी और रुपए की इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, गौर से समझना, आपने 5 क्वांटिटी खरीदी और कितने रुपए में खरीदी? 10 रुपए में। आपने कितनी क्वांटिटी बेची? 6। कितने रुपए में? 12 रुपए में। लेकिन आपने कहा यार प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो ना तो क्वांटिटी सेम है और ना ही पैसा सेम है, तो इन दोनों को सेम करना है। क्वांटिटी सेम करके तो आंसर ये आ गया, अब रुपया सेम करके देखो क्या यही आंसर आ रहा है क्या। तो इसको अगर सेम बनाए 10 और 12 को, तो बताओ 10 और 12 कहां बराबर हो सकते हैं, ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर आपके 10 और 12 से कट जाए? 60। तो इसको 60 बनाने के लिए 6 गुना करना पड़ेगा, तो अगर ये 6 गुना हुई तो क्वांटिटी को भी तो 6 गुना करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अगर इसे 60 बनाने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा तो एक क्वांटिटी भी तो 5 गुना होगी, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो आप बताओ रुपा तो सेम हो गया, रुपा सेम हो गया तो क्वांटिटी में आंसर कर लो। तो क्वांटिटी क्या होगी बेटा, बताओ खरीदी कितनी? 30 और बेची भी कितनी आपने? 30। बोलो क्लियर है? कितने रुपए में? 60 रुपए में खरीदी थी, 60 रुपए में बेची, तो 30-30 अगर बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो देखो सेम आंसर आया। बोलो क्लियर है? तो एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हुई तब सकती है जब या तो क्वांटिटी सेम हो या पैसा सेम हो। बोलो बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर, नो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, लेकिन अब इस केस को जल्दी से स्पीड से कैसे करते हैं वो सुन लीजिए, सबके सब एक बात सुन लीजिए। अब मैं आज के बाद ये सब काम नहीं करूँगा, मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे एक सेकंड में खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, क्वांटिटी का उल्टा रुपा, रुपए का उल्टा क्वांटिटी बोला था ना। तो एक काम करो, अगर आप क्वांटिटी को हटाना चाहते हो, सारी कैलकुलेशन रुपए में करना चाहते हो, तो आप इसका क्वांटिटी का उल्टा गुणा कर दो, बात रुपए में आ जाएगी। रुपए में पहले से 10-12 तो था ही, 10 रुपए और 12 रुपए तो था ही, लेकिन अब आपको इस क्वांटिटी वाली इंफॉर्मेशन को भी रुपए में लाना है, तो रुपए का क्वांटिटी का उल्टा क्या होता है? रुपए। तो जब इस 5-6 को उल्टा करोगे तो 6 का गुना तो यहाँ होगा और 12 का 5 का गुना यहाँ होगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 60 रुपए की चीज 60 रुपए में गई, तो आप बताइए आंसर क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म। अरे समझ गए? और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो एक काम करेंगे भाई, हम तो सारी कैलकुलेशन क्वांटिटी में करेंगे, अगर आप सारी कैलकुलेशन क्वांटिटी में करना चाह रहे हो, मतलब रुपए को खत्म करना चाह रहे हो, तो रुपए का उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी बन जाएगा। तो आप बताइए क्वांटिटी पहले से क्या था? 5:5:6 में बैठी थी। अरे क्लियर है? 5:5:6 में बैठी थी, लेकिन जो रुपए वाली इन्फॉर्मेशन खत्म करना चाहते हो तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 का गुणा यहाँ होगा और इस 10 का गुणा वहाँ होगा। तो आप बताइए जल्दी फास्ट, ये क्या हो गया? 60 वस्तुएं खरीदी, 60 ही वस्तुएं बेची, तो क्या हो गया आंसर? नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म। तो आज के बाद हम एक काम और सीख गए कि क्वांटिटी खत्म करनी है तो उसे उल्टा कर दो और रुपए खत्म करना है तो उसे उल्टा कर दो, खत्म क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ?
चलिए भाई, आपको अगर इतनी बातें समझ आ गई तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर बताइए जल्दी फास्ट, पहला क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट फास्ट। ये सिंपल कैलकुलेशन है, डाटा आपको रुपए में दे रखा है, रुपए में ही कैलकुलेशन करो और डायरेक्ट आंसर बताओ, अब टाइम वेस्ट मत करना। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेटा, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। बताइए भाई जल्दी फास्ट, बेटा हो गया। चलिए भाई कैसे खत्म करेंगे बेटा, गौर से सुनना। हेलो, देखिए एक लाइन में खत्म करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सुनिए। अगर बात रुपए में चल रही है तो रुपए में ही कैलकुलेशन खत्म करेंगे, बात खत्म। बड़ो गौर से समझना, मैं अब आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन करने के बेहतरीन तरीके बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 है, यानी 638 में वो बेची जा रही है और बेचने पर उसे लाभ हो रहा है 45% का, तो बताइए लाभ कितना होगा। बेटा आप बताइए लाभ निकाला कैसे जाता है। हेलो, तो आप बताइए 45% का लाभ हुआ या नहीं हुआ। तो आपने कहा बिल्कुल सही है, तो आप एक काम करो इस 45% के लाभ को पहले फ्रैक्शंस में देखो। तो बेटा तो 45% किसका मल्टीपल है, 5 का। 5% होता है 1/20 और 5 का कितने गुना होता है 45, 9 गुना। तो एक तरह से ये रेशियो बन गया 9/20। इसका मतलब ये है कि वस्तु थी वास्तव में 20 रुपए की, लेकिन लाभ हुआ उसको 9 रुपए का, अरे बोलिए, और बेची कितने में गई बेटा, 29 रुपए में। बोलो क्लियर हुआ यहां तक। अब आप बताइए बेटा ये बात है रेशियो में, लेकिन आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको निकालना है क्या दे रखा है बेटा, एसपी। तो बताइए एसपी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग कितना है बेटा क्वेश्चन में, 29, लेकिन क्वेश्चन में यही वैल्यू दे कितनी रखी है, 638। क्या दे रखी है बेटा ये वैल्यू, 638। बोलो क्लियर हुआ सर, समझ में आई बात। तो एक बात बताइए अब भाग कैसे करते हैं, भाग की विधि भी देख लो, बेहतरीन तरीका। अगर कभी भाग देना हो तो तुम आगे से भाग दे, तो मैं पीछे से भाग दूंगा, इकाई अंक से सेट करो। 9 को अगर 8 बनाना हो तो गुणा किससे करना पड़ेगा, 9 × 2 = 18 और जो रिमेनिंग नंबर रह गया 63, इसमें अप्रोक्स 29 का कितनी बार भाग जा सकता है, 2 बार। अरे बोलो, तो इसका मतलब ये कितने गुणा पर बात बैठी है बेटा, आप बताइए 22 के गुणा पर बैठी है बात। और बोलो क्लियर है, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, लाभ की वैल्यू। तो बेटा बताइए लाभ हमारे अकॉर्डिंग है कितना बेटा, 9 का, और अगर एक्चुअल वैल्यू बतानी है तो बेटा गुणा 22 कर दो, तो 9 × 2 = 18 और 1 = 19, तो आपके क्वेश्चन का जो लाभ होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 198। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 198। सिंपल, बोलो क्लियर हुआ क्या यहां तक। चलिए भाई अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो प्लीज ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी। अब टाइम वेस्ट ना करें, आप आंसर बताते चलें, बात खत्म। मुझे अब सबकी स्पीड चाहिए, सिंपल सिंपल वे में जितने कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए। नाउ टेल मी द आंसर, डू इट फास्ट। आप एग्जाम अप्रोच से मुझे आंसर बताएं, फील ऐसे करें कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, बस। प्लीज आप बेटा बिहेव ऐसा करें कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे वो आपका बेसिक ही तरीका क्यों ना हो। बेसिक तरीके कोई खराब नहीं होते, बेसिक तरीके भी बहुत अच्छे तरीके होते हैं और ज्यादातर हमें वही समझ आ रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमें कोई एक्सपर्ट तरीकों की जरूरत होती है ना। चलिए भाई क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस। पहली बात तो गौर से सुन लो, ये इसका मतलब इंग्लिश में होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस। तो आज खरीदी गई वो वस्तु कितने रुपए में, 928 रुपए में, और उस पर लाभ कितने परसेंट का हो रहा बेटा, सीधा सीधा 15%। तो बता रहा है कुल लाभ बताइए कितने का हुआ बेटा। एक बात बताइए, लाभ बात किस में हो रही है बेटा, रुपए में, और रुपए में लाभ निकलता किस पे है, सीपी पर। आप बताओ सीपी दे रखा है ना डायरेक्ट 928,
और लाभ को परसेंटेज में दे रखा है कितने परसेंट, 15%, और आपको लाभ की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर एक लाइन में करना है तो बेहतरीन तरीका, आप बताइए लाभ कितने के बराबर होगा। तो आप कहेंगे लाभ होगा उसे क्वेश्चन में दे रखा है 15% का, लेकिन ये 15% निकलेगा किस पर? अगर बात कैलकुलेशन रुपए में हो रही है तो रुपए में लाभ निकलता किस पर है बेटा? सीपी, और सीपी डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में कितना बेटा? 928। तो 15% डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 15% का, 928 से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 15 × 8 = 120, 12 × 8 = 16, 15 × 2 = 30, 30 × 12 = 42। बोलो क्लियर हुआ बेटा? बताइए, 4 हो गया, बोलो क्लियर है? 15 × 9 = 135 और 4 = 139। बोलो परसेंटेज के लिए पॉइंट कितने का लगेगा? 2 के बाद। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 139.2। बताइए कौन सा आंसर राइट होगा बेटा? बी ऑप्शन। तो कहने का मतलब यह है कि अप्रोच वो लगाएं जो बहुत बेसिक हों और आसान से आंसर आए। जबकि कुछ लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 15% की पहले रेशियो लिखते, फिर दोनों तरफ का सीपी एसपी लिखते, फिर उस सीपी को कंपेयर करते, देन गुणा पता लगाते और फिर गुणा करते। बेटा इतना काम करने की कोई तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लाभ की वैल्यू पूछी गई है और लाभ दे रखा है 15%, और लाभ रुपए के टर्म्स में बात हो रही है तो रुपए के टर्म्स में निकाला जाएगा सीपी पर, और सीपी भी डायरेक्ट दे रखा है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीपी का 15% निकाल देंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट खत्म। आपको नो नीड टू कैलकुलेट एनी अदर फॉर्म, ठीक है? चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट, पहले इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले यस इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट फास्ट। नाउ कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सभी के सभी मुझे आंसर बताएं, टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज फास्ट, बेसिक तरीके आंसर चाहिए। गौर से देखना आप इस क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली आप देखो तो टेबल अलग अलग है, क्वांटिटी भी अलग अलग है, पैसा भी अलग अलग है। मजे की बात देखो, इस क्वेश्चन के अंदर खरीदने वाली बात में रुपा तो दे रखा है 275, बेचने वाला रुपा दे रखा है 5060, जबकि खरीदी गई है एक टेबल, बेची गई है 16 टेबल। क्वांटिटी भी अलग अलग है, पैसा भी अलग अलग है। और मैंने क्या बोला, जब क्वांटिटी भी अलग लोगो, पैसा भी अलग लोगो, और आपको लाभ और हानि परसेंट बताना हो तो कैलकुलेशन करने के लिए पहले किसी को एक सेम को सेम करना पड़ता है, या तो आप पैसे को सेम करो या क्वांटिटी को सेम करो, लेकिन दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन आप उसे सेम करेंगे जो आपको आसान लगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग आसान बनाइए, या क्वांटिटी को सेम करिए या पैसे को सेम करिए, और तब एक लाइन में आंसर निकालिए जल्दी फास्ट। चलिए भाई बेटा आंसर आ चुका है, गौर से सुनना बेटा। एक बात बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन में एक बात लगती है कि अगर हम पैसे को सेम करें तो इसका गुणा यहाँ करना पड़ेगा, इसका गुणा यहाँ करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? इसलिए हम क्या चाहेंगे कि क्वांटिटी को सेम कर लें, तो बेचनी क्वांटिटी तो दे ही रखी है। एक काम करिए 16 टेबल पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितने टेबल पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 16 टेबल, 16 टेबल्स को सेम कर लेते हैं, 16 टेबल्स की वैल्यू को सेम कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करते हैं हम रुपए के टर्म्स में। किसके टर्म्स में बेटा? रुपए के टर्म्स में। तो आप बताइए एक टेबल खरीदी गई 275 की, अगर एक टेबल 275 की है तो 16 टेबल कितने की होंगी? तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 275 × 16। तो 275 × 16 बेटा यहीं के 16 का गुणा करेंगे, तो 16 × 5 = 80, 8 × 8 = 16, 16 × 7 = 112 और 8 = 20, 12 × 8 = 16 × 2 = 32, 32 × 12 = 44। इसका मतलब 116 की 16 टेबल कितने रुपए में खरीदी जा रही है बेटा? 4400 में। और आप बताइए वही 16 की 16 टेबल बेची कितने में जा रही है? 5060 में। अब देखो आसान लगेगा आपको क्वेश्चन, बोलो क्लियर है क्या? आप बताइए 4400 में खरीदी गई, 560 में बेची गई, तो कितना का लाभ हुआ? तो डिफरेंस देखिए बेटा, 60 में से 00 गया 60 तो ये बचेगा, और बेटा 50 में से 44 गया तो 6 ये बचेगा। इसका मतलब सीधा सीधा लाभ कितने का बैठा है बेटा? 660 का। और कैलकुलेशन अगर रुपए में हो रही है तो यही लाभ निकलेगा किस पर बेटा? 4400। तो आप सीधा सीधा बताइए बेटा 660 का लाभ हुआ कितने पर हुआ बेटा? 4400 पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। बोलो ये बात क्लियर है क्या बेटा? बताइए 00 से 00 कटी, 22 × 44 और 22 × 66 = 30, और 2 से अगर काटूं तो बेटा ये 15 बार कटेगा, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15% का प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बस अब आपको इस क्वेश्चन में एक बात पता लग गई होगी कि एग्जामिनर बहुत बार आपके साथ ये गेम खेलेगा कि खरीदने और बेचने का पैसा कर देगा अलग अलग, और क्वांटिटी को भी कर देगा अलग अलग। अगर क्वांटिटी भी अलग अलग मिले आपको और पैसा भी अलग अलग मिले, तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसे क्या बराबर कर लें, या तो क्वांटिटी बराबर कर लेना या पैसा बराबर कर लेना। मैंने इस क्वेश्चन में क्वांटिटी को बराबर कर लिया, क्योंकि वो मेरे को आसान लगा, मैंने उस तरह से कर दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए भाई अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो
वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट फास्ट. चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं. चलिए ये वाला क्वेश्चन है बेहतरीन, जल्दी फास्ट आंसर बताएंगे. वैसा ही क्वेश्चन मैं एक और करा रहा हूं, गौर से देखिए और सबके सब मुझे आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा. ओनली टेक ओनली टू टू ओनली यू आर हैविंग 30 seconds टू टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. प्लीज यू आर हैविंग ओनली 30 seconds, प्लीज गिव मी द आंसर विद इन द 30 seconds. प्लीज फास्ट ऑल ऑफ यू, इट इज माई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं. देखिए क्वांटिटी भी अलग अलग है, क्वांटिटी भी अलग अलग है और पैसा भी अलग अलग है. खरीदने के पैसा दे रखा है 480, बेचने का पैसा दे रखा है 42, दोनों ही अलग अलग है. खरीदने की बात करी गई है प्रति दर्जन मतलब 12 की और बेचने की बात करी गई है 1 की. तो यानी कि क्वांटिटी भी अलग अलग है और पैसा भी अलग अलग है और आपको परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना है. मैंने क्या बोला, अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो आपकी मर्जी है कि क्वांटिटी को सेम कर लो या फिर पैसे को सेम कर लो. तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वांटिटी बना लेता हूं. क्यों बना लेता हूं, क्योंकि 12 टेबल खरीदेंगे 480 तो डायरेक्ट 12 के से भाग जा रहा है 480 में. तो एक काम करो, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में एक टेबल पे कर दे रहा हूं, क्वांटिटी को मैं सेम कर दे रहा हूं और क्वांटिटी को वो सेम कर दे रहा हूं मैं एक टेबल, और सारी की सारी कैलकुलेशन रुपए में कर दे रहा हूं एक लाइन में. बोलो क्लियर हुआ कि क्वांटिटी हो गई सेम, क्लियर है. तो आप बताओ 12 टेबल 480 की, तो एक टेबल कितने रुपए की होगी बेटा, 40 रुपए की. अगर एक टेबल 40 की है तो आप बताओ 40 की खरीदी, इस 20 दर्जन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वांटिटी चाहे फिर कुछ भी हो, मल्टीपल से रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 20 दर्जन बेचो, एक टेबल का जो भाव हो उस टेबल के भाव को किसी में भी कन्वर्ट कर लो, मल्टीपल ही तो चेंज होगा लेकिन जैसे ही आप रेशियो लिखेंगे वो मल्टीपल कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन में इस 20 दर्जन का तो कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना है. तो 40 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा बेटा, सीधा सीधा 42 रुपए में. एक टेबल को खरीदा गया है 40 में, एक टेबल को बेचा गया है 42 में, तो कितने का लाभ कमाया बेटा, सीधा सीधा 2 रुपए का. और 2 रुपए का लाभ क्योंकि कैलकुलेशन रुपए में हो रही है तो लाभ के टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन निकलती है सीपी पर. तो 2 रुपए का लाभ हुआ 40 पर, तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा बेटा, प्रॉफिट परसेंट 2 का लाभ कितने पर बेटा, 40 पर. और 2 से अगर काटोगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा 1/20. 1/20 की परसेंटेज कितनी होती है, सीधी सीधी 5%. और अगर आपको नहीं आती हो तो गुणा 100 कर लेना तो आंसर आ जाएगा. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5%. बोलो क्लियर हुआ डी ऑप्शन. तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको वो बेहतरीन तरीके बता रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन बहुत बेहद आसान तरीके से खत्म हो जाएगा सिंगल एक लाइन में, आपको ज्यादा नहीं सोचना. तो फिर सुन लीजिए, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी भी डिफरेंट दी गई हो, पैसा भी डिफरेंट दिया गया हो, और ऐसा वो करेगा, एग्जामिनर कर भी रहा है, ये आप देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, और आप बताइए इन क्वेश्चन को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है. जस्ट टू हैव द आइदर सेम क्वांटिटी और सेम प्राइस, या तो आप रुपए को सेम कर दें या क्वांटिटी को सेम कर दें और कहीं भी सेम कर लें, जहां आपकी मर्जी होती हो वहां, परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा. बोलो क्लियर है या नहीं है. चलिए अगर आपको ये मेरी बात समझ आई हो तो ऐसा क्वेश्चन एक और भी था, मैं वो देखता हूं, वो मिल जाए तो. वेरी गुड, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का. देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना एक आध क्वेश्चन और पूछा है. देखो खरीदे कितने गए बेटा, 100 संतरे, बेचे कितने जा रहे हैं प्रति दर्जन, प्रति दर्जन माने 12 संतरे. खरीदने का पैसा है 450, बेचने का पैसा है 60. देखो दोनों ही डाटा डिफरेंट है और परसेंटेज लाभ और हानि निकालनी है. जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मुझे आंसर चाहिए सभी से. सर एक बार और समझा दो बेटा, यहां समझा दूंगा देख लेना एक बार. बेटा योगेश यहां समझा दूंगा देख लेना एक बार. सेम क्वेश्चन को रिपीट करने के बजाय कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं उतनी मेहनत कर लेता हूं तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी, है ना. तो गौर से सुनिए बेटा, देखो एक बार रिपीट कर देता हूं. योगेश कुमार कह रहा है कि भाई सर वो दोबारा बता दीजिए क्वेश्चन, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, गौर से सुन लेना है ना, ये तो बच्चा बुरा मान जाएगा, कहेगा बता नहीं रहे. देखो क्वेश्चन में एक और से देख बेटा योगेश, क्वेश्चन में वो कह रहा है 480 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 12 टेबल, टेबल है क्या है बेटा, खिलौने, 12 खिलौने 480 में उसने खरीदे और फिर उसने ऐसे ऐसे खरीदने कितने दर्जन, 20 दर्जन, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है. फिर उसने एक खिलौना बेचा 42 रुपए में, तो एक बताओ खरीदे हैं उसने कितने खिलौने, 12, कितने रुपए में, 480, बेचे कितना है, 1, तो क्वांटिटी भी अलग अलग है 12 और 1,
पैसा भी अलग है, उधर को 480, इधर को 42। तो अब आप बताओ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कब सकोगे? मैंने यही तो बोला था बेटा योगेश कुमार कि या तो क्वांटिटी को सेम कर लो या आप पैसे को सेम कर लो अगर प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज निकाल रहे हो। तो एक काम बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर 12 दर्जन अगर 12 खिलौने अगर 480 के हैं तो एक खिलौना सीधा सीधा 40 का है ना, तो एक खिलौने का मूल्य आ गया 40 और एक खिलौने का मूल्य डायरेक्ट बेचने का पता है 42। तो इस क्वेश्चन को एक क्वांटिटी को सेम करके डायरेक्ट 40 को 42 से कंपेयर करके क्या मैं डायरेक्ट बोल पाऊंगा 2 रुपये का लाभ हुआ? आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, 2 रुपये का लाभ कितने पर हुआ बेटा? 40 पर। तो 2 से अगर 40 काटूंगा तो 1/20 का लाभ हुआ, 1/20 गुणा 100 करूंगा तो कितने परसेंट आएगा? 5%। बस मैं यही कहना चाह रहा था, बताओ सबका आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से, शायद इस क्वेश्चन में सबका आंसर आ गया होगा क्या? देखिए फिर दोबारा बेटा बताओ, खरीदे गए संतरे कितने हैं बेटा? 60, सॉरी खरीदे गए संतरे कितने हैं बेटा बताइए? 100, और कितने भाव से खरीदे? 450, लेकिन बेच कितना रहा है बेटा वो 60 रुपये में। कितने संतरे बेच रहा है? दर्जन माने 12, पहले क्वांटिटी 100, आज क्वांटिटी 12। बोलो क्लियर है? पहले रुपये 450, आज रुपये 60, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, क्वांटिटी भी अलग अलग है खरीदने बेचने की और रुपा भी अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग हों तो किसी एक को सेम करो। और यहाँ पे बेहतरीन बात यह है कि 100 से डायरेक्ट भाग चला जाएगा तो एक संतरे का मूल्य आ जाएगा खरीदने का, 100 से भाग करेंगे तो 4.5 आ गया ना एक संतरे का सीधा सीधा। और अगर आप बताइए 12 संतरे अगर 60 के तो एक संतरा सीधा सीधा 5 का हो गया, तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन एक क्वेश्चन एक संतरे पर डायरेक्ट सेट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ मत करिए, अगर आपको क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से करना है तो इस क्वेश्चन में एक संतरे को सेम कर लीजिए दोनों तरफ, कौन कौन सी तरफ? खरीदने और बेचने की साइड, और कैलकुलेशन रुपए में सेट कर दीजिए। आप बताइए अगर 100 संतरे अगर 450 के आते हैं तो एक संतरा कितने का आएगा? 100 से भाग करेंगे तो 4.5 का आएगा। एक संतरा अगर 4.5 का है खरीदा गया है तो बताइए 60 संतरे अगर 12 संतरे अगर 60 रुपये में बेचेंगे तो एक संतरा कितने का बेचा गया? 5 रुपये का। तो 4.5 का खरीद के अगर 5 में बेच रहे हो तो लाभ कितना कमा रहे हो? 0.5 का। तो 0.5 का लाभ कितने पर हो रहा है बेटा? 4.5। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो क्योंकि रुपए में कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर निकलती है। तो इसका मतलब एक तरह से 45 रुपये पर 5 का लाभ, और 5 से अगर मैं काटूं तो सीधा सीधा बोल सकता हूं 1 रुपये का लाभ कितने पर बेटा? 9 पर। और डायरेक्ट आप बोल दोगे 1 रुपये का लाभ 9 पर, 1/9, 1/9 की परसेंटेज क्या होती है बेटा? 11 सही 1/9%। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 11 सही 1/9%। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन। बोलो सभी को समझ आया क्या? बोलो समझ में आ गया? मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, गौर से समझ लीजिए बेटा। जितने भी हैं बेटा मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, प्लीज़ अब आप आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। आंसर टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया था, नाउ प्लीज़ अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। आई एम प्लीज़ गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन विद इन द 15 seconds। Now your time reduced to 15 seconds, from 30 seconds to reduced to 15 seconds. Give me answer fast, please, because this question is very, very easy. And this is a question of your previous year question of SSC GD, that is of 2019 year. Please tell me the answer. Do it fast. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु, एक वस्तु की बात हो रही है, उसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, यानी कि इस क्वेश्चन में बात सिर्फ एक ही वस्तु की हो रही है और बात हो रही है उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब बात हो रही है बेटा किसमें? रुपए के टर्म्स में। बोलो क्लियर हुआ? एक वस्तु की बात हो रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी क्या रही है बेटा? सेम। पहली बात तो गौर से सुन लो, मेरी बात कभी फेल नहीं होगी, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो हमेशा राइट होंगे। इफ यू आर रीडिंग द लैंग्वेज विद द प्रॉपर सीक्वेंस तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक ही वस्तु की बात हो रही है लेकिन उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही है, और बात हो रही है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की, इसका मतलब बात हो रही है रुपए की। बोलो क्लियर हुआ? तो क्वांटिटी अगर सेम है तो बात रुपए में सेट करते हैं, और रुपए में बात क्या बोली गई है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, यानी कि बात बोली जा रही है उसके सीपी और एसपी के बारे में, और बात बोली जा रही है कि जो सीपी है उसके एसपी से कितने परसेंट कम है? 30%। बेटा यही तो बात बोल रहा है ना, तो क्वेश्चन आसानी से खत्म है, सीधा सीधा खत्म है, हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज रेशियो पर डिपेंड करता है, आप कुछ मत करिए, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके सीपी एसपी का रेशियो निकालो, क्वेश्चन इज ओवर। तो आप बताइए इसका मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि 100% अगर एसपी है तो उससे 30% कम बेटा कितने परसेंट हो जाएगा? 70%। बेटा आप बताइए रेशियो अगर मैं निकालूँ तो 10 बेटा बताइए 100% अगर एसपी है तो 70% 30% कम हो गया, 70% बचेगा, परसेंटेज जीरो, परसेंटेज जीरो खत्म करूंगा तो सीधे सीधा अनुपात आएगा सीपीएसपी का 7 से 10।
तो 7 रुपए की खरीद कर अगर 10 रुपए की बेचेगी तो कितने का लाभ कमाया गया बेटा, 3 का, और 3 का लाभ कितने पे कमाया गया बेटा, 7 रुपए पर, क्योंकि बात कैलकुलेशन हो रही है रुपए में और रुपए में लाभ आनी निकलती है सीपी पर, सीपी कितना है बेटा 7, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है 3 रुपए का, कितने के खरीदने पर, 7 के खरीदने पर। और आपको डायरेक्ट परसेंटेज बतानी है तो एक सेकंड में डायरेक्ट आंसर करने बताता हूँ, 1/7 कितना होता है 14, सही 2/7, लेकिन अप्रोक्स कर लीजिए 14% और गुणा करना है 3 से, तो 14 × 3 = 42, इसका मतलब इसका आंसर अप्रोक्स 42% आएगा। और ऑप्शन देखो 42% कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, डी, तो आंसर तो हो चुका है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं जानते हो तो गुणा 100 करिए, आपका आंसर सीधे सीधे आएगा 14 सही 2/7 में अगर गुणा करोगे 3 से तो 42 सही 6/7 बनेगा, आंसर इज ओवर, बोलो क्लियर हुआ। लेकिन मैंने आपसे कहा ना अप्रोक्स परसेंटेज से कैलकुलेशन करना जो बच्चा सीख गया वो आई थिंक बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएगा एक सेकंड में, क्योंकि यहां पर आंसर बताना था 3/7 का, 1/7 होता है 14 सही 2/7 को भूल जाओ, 14% मान लो, 14 × 3 करोगे 42%, आपका आंसर अप्रोक्स 42% है, विच ऑप्शन इज नियर टू 42%, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। नाउ टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज फास्ट। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, एक लाइन में सीधा मुझे आंसर चाहिए, बात खत्म, दैट्स इट। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में चाहिए, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा जिससे कि आपके सभी लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, प्लीज फास्ट। देखिए आ भी गया एक बच्चे का, देखिए क्वेश्चन देखना प्लीज फास्ट। देखो आज जो आपको डाटा दे रखा है ना वो वस्तुओं के फॉर्म में दे रखा है, किसके फॉर्म में दे रखा है, वस्तुओं के फॉर्म में, तो मैं इस क्वेश्चन को क्वांटिटी के फॉर्म में ही करूंगा सॉल्व, लो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, क्वांटिटी में ही करूंगा, खरीदने की क्वांटिटी और बेचने की क्वांटिटी, क्यों करूंगा ये भी सुन लो, मैंने बोला था ना क्वांटिटी में अगर कैलकुलेशन करनी तो रुपा सेम होना चाहिए, और मजे की बात ये यहाँ पर रुपा सेम बोल रहा है, देखो पढ़ के देखो, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी गई, 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य माने जितने रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी गई, वो रुपा बराबर है, मतलब सेम है, किसके सेम है बेटा बताइए, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 50 वस्तुओं के बेचने के पैसे के बराबर है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि आपने 80 खरीद कर कितनी बेची है, सिर्फ 50, तो आप बताइए 30 वस्तुओं तो आपके घर में रहेगी ना, तो वस्तु के टर्म्स में सोचें तो हम ये कहेंगे कि 30 वस्तुओं का लाभ हो गया। और आप बताइए अगर क्वांटिटी के टर्म्स में डायरेक्ट आंसर निकालना तो लाभ हमेशा किस पर निकलेगा, बेचने की मात्रा या खरीदने की मात्रा, तो आप कहेंगे बेचने की मात्रा, किस पर निकलेगा बेटा, बेचने की मात्रा, SQ, तो आप सीधा बोल दीजिए 30 वस्तुओं का लाभ हुआ कितने बेचने पर बेटा, 50, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/5, 3/5 में गुणा 100 करेंगे तो 5 से काटेंगे 20, तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आएगा 60%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज दैट इज 60%, विच ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन, बेहतरीन तरीका, बात खत्म। इसमें कुछ लोगों ने गलती की होगी और वो गलती बता देता हूं क्या की होगी, कि 30 का लाभ सीधा सीधा किस पे ले लिया होगा, 80 पर, और ये ऑप्शन टिक मार दिया होगा बी, 37.5। बस मैंने आपको यही बोला है कि जब कैलकुलेशन क्वांटिटी में कर रहे हो और आपके क्वेश्चन में आपको फीलिंग आ रही है कि रुपा सेम है, तो फिर आपका जो भी लाभ हानि है वो बेचने वाली मात्रा पे निकालो ना, कितनी बार समझाऊं इस बात को बताओ आपको। वेरी गुड, कुछ लोगों का अभी आंसर सी आ रहा है, बहुत सही। अब देखिए अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को सर हम ऐसे ना करें तो दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं, तो वो सुन लीजिए, अभी तो मैंने ये तरीका बताया है ना, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार हम तो यार इस क्वेश्चन को रुपए से करेंगे तो रुपए से कर लो, तो कुछ लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो भी सुन लो। मेरा तरीका तो डायरेक्ट है, 80 वस्तुएं खरीदी गई, 50 वस्तुएं बेची गई, 80 वस्तुएं खरीदेंगी, फिर सुन लो एक बार, क्वांटिटी के टर्म्स में क्वेश्चन डायरेक्ट खत्म, 80 वस्तुएं खरीदी गई, 50 वस्तुएं बेची गई, तो 30 कम बेची गई तो 30 का लाभ हो गया, और कितने बेचने पर 50, तो 3 का लाभ एक तरह से 5 पर, और सीधा सीधा 3 का लाभ 5 पर, तो 1/5 20 × 3 करेंगे 60%। ये तो क्वेश्चन क्वांटिटी में खत्म हो गया, दैट इज मेथड नंबर 1, बोलो क्लियर हुआ। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, वो कैसे करते हैं वो सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत ये भी होती है, वो कहते हैं कि एक वस्तु का सीपी सीपी है, एसपी एसपी है, तो पहले वो लिखेंगे बायकायदा 80 वस्तुएं का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का सीपी है तो 80 वस्तुओं का सीपी कितना बनेगा, 80 × सीपी, और यही बराबर बोला गया है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 SP होगा। तो आप बताइए 0 से 0 काटा, तो यहाँ से बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे रेशो करके ऐसे निकालते हैं CP / SP, तो बेटा वो कितना जाएगा 5/8,
इसका मतलब ये हुआ कि पांच रुपए में वस्तु खरीदी गई, 8 रुपए में बेची गई, तो कितने लाभ कमाया बेटा? 3 का। और आप बताइए 3 का लाभ रुपए के टर्म्स में, क्योंकि पी पर बात चल रही है, रुपए में बात चल रही है तो सीपी पर बात चलेगी, और सीपी कितना है बेटा? 5। तो 3 का लाभ 5 पे निकालेंगे, तो 3 का लाभ अगर 5 पे निकालोगे और गुणा 100 करोगे तब भी आंसर आपका 20 बार कट के डायरेक्ट आंसर कितने परसेंट आएगा? 60%। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और मेरे हिसाब से डायरेक्ट कर लेना चाहिए। क्यों भी फालतू में सीपीएसपी मान रहे हो, सीधा क्वेश्चन क्वांटिटी में ही हो जाएगा, कोई बात कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मूल्य बराबर ही बोल रखा है, ऑलरेडी मूल्य को बराबर कह रखा है, पैसा पहले से ही बराबर है, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ाओ, बात खत्म, इतना टाइम वेस्ट ना करें हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी फास्ट, एक मिनट। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, प्लीज फास्ट टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज। बेटा ये कह रहा है अंकित राजपूत, सर हमें सर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता और ना ही कोई फॉर्मूला पता है, कोई फॉर्मूला बता दो। बेटा मैं अंकित तेरे को सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को अगर तूने दिमाग से ना करके अगर चीज़ों को फॉर्मली अगर नहीं समझा और फॉर्मूले पर टिका रहा, तो बेटा सिर्फ कैलकुलेशंस के दीवाने बन जाओगे तुम, कभी कॉन्सेप्ट के दीवाने नहीं बनोगे, और कॉन्सेप्ट के दीवाने नहीं बने तो आपकी कैलकुलेशन मुझवानी कभी नहीं हो पाएगी। और इससे आसान कॉन्सेप्ट क्या बताऊं बताओ, आपको इससे आसान कॉन्सेप्ट और क्या बताऊं? बेटा इससे आसान कॉन्सेप्ट क्या बता सकता हूं मैं आपको, और बताऊं इससे ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या बताऊं जिससे कि क्वेश्चन आपके बहुत आसान तरीके से, मैं आई थिंक आपको उस वे से बता रहा हूं जिस वे से आप उस एग्जाम में जाकर सोचेंगे। चाहे मैं आपको लाख देखो रेशियो कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, रेशियो कॉन्सेप्ट में आपको समझा सकता हूं, मेरे पास एक एक क्वेश्चन करने के चार चार तरीके भी हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि लास्ट में मुझे पता है जब आप एग्जाम में होते हैं ना, एक मिनट के लिए सबके सब सुनो, सारी चीज छोड़ दो, पहले मेरी बात गौर से सुनो बेटा। हम क्या होते हैं कि जब हम एग्जाम में होते हैं ना, इन केस ऑफ मैथ, क्योंकि जीएस में सबकी स्पीड होती है, नो डाउट सबकी स्पीड होती है, ठीक है, रीजनिंग में भी मोस्टली पता रहता है कि हाँ कैसे कैसे करना होता है, थोड़ा बहुत अटकता है तो कोडिंग डिकोडिंग में अटकता है बच्चा, और सीरीज में अटकता है आई थिंक सो, बाकी कहीं जगह ना उसे बस एक सेकंड में चीज़ें समझ आ जाती हैं। उसके बाद रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में भी चीज़ें रटी रटाई है, सारी कैलकुलेशन की बात आ जाती है सिर्फ मैथ में आके, तो बच्चा आके अटकता है मैथ में। और मैथ में मैं आपको दिल की बात बोल रहा हूँ, तो सभी यस करके बताना मेरे को इस मोबाइल पर कि उस एग्जाम हॉल के अंदर हर बच्चा, चाहे उसे टीचर कितने भी मेथड समझा दे, एक क्वेश्चन करने के चार तरीके समझा दे, लेकिन वो एग्जाम में जाके उस तरीके को अप्लाई करता है जो उस टाइम पे बहुत उसको इजी लग रहा होता है। और याद रखना बेटा, आप कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में क्यों ना हो, आपके वही तरीके सबसे बेस्ट लगेंगे आपको जो आपको खुद से आते हो, ठीक है, और जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। और मैं ऑनलाइन के अंदर हर क्वेश्चन का वही तरीका बता रहा हूं जिससे आपको वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। आप चेक कर लो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, मैंने आपको वो तौर तरीके बताए हैं जिन तौर तरीके से आपको ये लग रहा होगा कि हाँ हम भी यही लगाते हैं वहां जाके, समझ रहे हो। मैं चाहता भी ऑप्शन मेथड पर नहीं आया हूं, किसी और तरीके पर नहीं आया हूं, क्योंकि जैसे ही मैं एक बैच पूरा करूंगा उसके बाद जब मेरा दूसरा नया बैच बनेगा उसमें मैं एक क्वेश्चन के चार चार तरीके डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी एग्जाम पास में है तो पहले मैं एग्जाम की स्ट्रेटेजी से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्या करना है वो बेटा अब आप करें प्लीज जल्दी फास्ट। इस सवाल में दिमाग घूम गया, चलो भाई इस सवाल में दिमाग नहीं घूमेगा। देख बेटा एक क्वेश्चन मैं बताता हूं कैसे करना है ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। देखो यहां पर हेलो, यहां पर देखो जल्दी फास्ट, देखो बेहतरीन तरीके से समझना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से समझना, बस कोई भी इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेगा, कैलकुलेशन कोई नहीं करेगा, प्लीज यहां पे अप्रोक्स आंसर करेंगे, देखना बस। आप बताइए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु है, तो क्वांटिटी तो एक वस्तु की बात हो रही है बेटा, सबके सब छोड़ के यहां देख लो, है ना, क्वांटिटी सेम है इस क्वेश्चन में, यानी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में सारा का सारा रुपये में ही करना है, क्योंकि रुपये में ही डाटा दे रखा है। ये कह रहा है एक वस्तु को खरीदा गया है कितने रुपये में बेटा, 1240, तो क्रय मूल्य में पता लग गया 1240। वो कह रहा है उसको लॉस हुआ कितने का बेटा, आप बताइए 32% का। आप बताओ अगर 32% 100% की वो थी, 32% हानि हो गई, तो आप बताओ फाइनली वो बेचा कितने में गया होगा, तो 100 में से 32 घटा दो तो कितने परसेंट बचा होगा, 68%।
तो आप बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बताओ विक्रय मूल्य इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो बेहतरीन तरीके से, आप भी यही करते हो उस एग्जाम में, तो डायरेक्ट बताओ एसपी जो है वो क्या मेरे आपके अकॉर्डिंग 68% होगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा 100% 68% होगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप बताइए बेटा 68% किसका निकालोगे, तो आप बताइए रुपए में अगर कैलकुलेशन हो रही है तो सारी कैलकुलेशन किस पे होगी बेटा, सीपी पर, तो आप बताइए 68% किसका निकालोगे, 1240 का। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या, बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक काम करो, गुणा करने का बेहतरीन तरीका, बेटा कुछ मत करो, आपको मैं वही तरीके बता रहा हूं जो आपको बहुत आसान लगे, बस इस 8 को थोड़ी देर के लिए जीरो मान लो, 60% मान लो एक तरह से, तो 60 का पहले गुणा करो, तो ये 0 6 4 24 दो, 12 6 72 72 और 2 74 बेटा ये तो 60 आ गया गुणा करके, अभी 8 और बचा है, इस 8 का गुणा और कर दो जल्दी, 0 8 4 32 और 12 8 96 96 और 3 99 और अब इसको जोड़ दो, क्योंकि 68+8 ही तो होता है 60+8, बोलो क्लियर है, अब इन्हें जोड़ेंगे 99 बचा, मैंने गलती कर दी बेटा, ये 99 आएगा है ना, अब देखो 40 और 20 60 और बेटा 9 और 7 16 बोलो क्लियर है, 9 और 4 13 बेटा सुनो 9 और 4 13 और 9 और 7 16 और 1 17 और बेटा बताओ परसेंटेज के कारण पॉइंट कितना लगेगा, 173 बेटा एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने कुछ गलती करी है बेटा, आप बताओ मैंने कहाँ गलती कर दी, 9 और 7 16 और 1 17 अब एक मिनट बेटा एक मिनट 68 मैंने एक गलती कर दी, दोबारा करता हूँ, एक मिनट रुको बेटा, एक काम करते हैं दोबारा, देखो बेटा बताओ 68% निकालना है, तो एक काम करते हैं दूसरा तरीका करते हैं बेटा, दूसरा तरीका देखो बेहतरीन तरीका, क्योंकि 68 का मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो एक काम करो बेटा 68 को क्या आप ये कह सकते हैं, हेलो 68 को क्या आप ये कह सकते हैं 50% + 18% 50% कितना होता है बेटा, जस्ट आधा प्लस 18%, बोलो क्लियर है क्या, और इसका गुणा किससे करते बेटा हम 1240। मैं अभी आपको एक तरीका और बताऊंगा कैलकुलेशन का, बेहतरीन वाला तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं ये करवा काम करवा देता हूँ, अब 1240 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आधा हो जाएगा 620 और 18 का गुणा करना आसान है, तो 0 18 4 72 7 8 18 2 36 और 7 36 और 7 43 4 18 18 और 4 22 और बेटा बताइए परसेंटेज के कारण पॉइंट कितना लगेगा 2 के बाद, अब आप जोड़ दीजिए बेटा 0.2 तो ये आना ही आना है, तो 3 ये हो गया 23 और 20 बेटा 43 और 6 और 2 8, क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें आंसर 843.2 हो। अब आधे लोग ये कह रहे होंगे कि सर ये बताओ इसमें इतना टाइम लगेगा, आधे लोग ये कहेंगे कि सर इसमें इतना टाइम लगेगा है ना, एक बात सुनो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता ही नहीं, मैं कैसे करता हूं वो सुन लीजिए, अगर आपको कभी भी कैलकुलेशन अगर टफ लगे तो आप अंकों के योग से कैलकुलेशन करेंगे, किससे कैलकुलेशन करेंगे, अंकों के योग से, अरे क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, तो सुनो अब मैं दोबारा समझा रहा हूं सबके सब पेन कॉपी छोड़ के सुन लो, जब आपको कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक लगे तो आप मेरे इस तरीके को याद कर लेना, आपका शायद आई थिंक भला हो जाए एग्जाम के अंदर, गौर से सुनिए मैं कैसे करता, देखिए एसपी आप बताओ एक वस्तु को खरीदा गया 1240 में, 32% की हानि हुई है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, अगर 32% की हानि हुई है ठीक है तो कितने परसेंट में बेची गई होगी, 68% में, और 68% किसका निकालोगे 1240 का, आप कुछ मत करो सारी कैलकुलेशन अंकों के योग में कर दो, तो अंकों के योग की कैलकुलेशन कर दो, अंकों के योग की किसकी लिख भी दे रहा हूं सुन लो, अंकों का योग, खत्म क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म होगा, 8 और 6 14 14 के अंदर आता है 1 और 4 तो कैलकुलेशन करके 5 4 और 2 6 और 1 7 और 7 5 35 35 में आता 3 और 5 जोड़ेंगे तो नेट बनेगा अंकों का योग 8, तो आपका आंसर वही राइट होगा जिसमें अंकों का योग 8 बनेगा, चेक करो अंकों का योग कहां 8 बन रहा है, पहले वाला ऑप्शन देखो 9 को हटाते जाना अंकों का योग अपना आ जाएगा, 9 हटा दो, 7 और 5 12 12 और 6 18 18 का अंकों का योग 9, जबकि ये ऑप्शन हो गया गलत, आप बताओ 6 और 2 8 6 और 2 8 और 2 10 10 और 8 18 है, ये भी बन रहा है 9, तो ये भी ऑप्शन गलत, आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर बेटा 4 और 2 6 और 3 9 पहले 3 9 हटा दीजिए कितना बचा बेटा 8,
और आपको भी क्वेश्चन में कितना चाहिए 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आप बताइए इसके अंदर 7 और 2 9 आ दीजिए, 7 और 8 15, 15 का मतलब 6, मतलब ये ऑप्शन गलत। बेहतरीन तरीका आप चेक कर लीजिए, डिजिटल सम एक ही ऑप्शन में 8 है, बाकी किसी में नहीं है। कैसे बेटा, यहां पे कोई है ही नहीं, मैं क्या करूंगा बताओ। बेटा एक मिनट रुकना, आगे कोई भी बच्चा दोबारा टेंशन ना लेगा, कोई बच्चा टेंशन ना ले, मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा। अभी एक बच्चे ने ठीक किया है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है बेटा, आइए भाई, मुझे नहीं पता था बेटा, मैं यहां कैलकुलेशन लगा हुआ था। देखो समझिए, दोबारा कर रहा हूं बेटा, गौर से सुनना। अगर कभी भी आपको कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक लगे तो आप सबसे अच्छा इस सारा ले सकते हैं। किस चीज का बेटा? अंकों के योग का। इज इट क्लियर? तो अंकों के योग का सारा लीजिए बेटा। आप बताइए एसपी के अंकों का योग निकालिए, ये तो सबको लिखना आ गया हुआ समझ, एक ही लाइन में। तो 8 और 6 14 का मतलब हो गया 1 और 4, तो अंकों का योग बनेगा 5। 4 और 2 6 और 1 7, ये अंकों का योग 7, और बीच में गुणा है तो गुणा, 7 5 35, 35 में आता है 3 और 5, जोड़ेंगे तो नेट अंकों का योग बनेगा 8। तो अंकों का योग कितना आएगा बेटा बताइए? 8। तो आपका वही ऑप्शन राइट होगा जिसके अंकों का योग कितना आ जाएगा बेटा? 8। चलिए भाई पहले ऑप्शन का देखिए, अंकों का योग। अंकों का योग निकालने का बेहतरीन तरीका होता है, 9 9 हटा के शेष संख्या को चेक कर लो, पूरी संख्या का वही होगा। तो देखिए इसके अंदर एक 9 आपको दिख रहा है, बाकी को जोड़ दो, 7 और 5 12 और 6 18, 18 का अंकों का योग कितना आ गया बेटा? 9। हमें तो 9 नहीं चाहिए, हमें तो 8 चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आप बताइए 6 और 2 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18, बेटा इसका भी अंकों का योग 9 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। आप बताइए 4 और 3 7 और 2 9, पहले ही 9 हटा दीजिए, शेष कितना बचा बेटा? 8। अंकों का योग 8 ही चाहिए था, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है बेटा? सी। बेटा बताइए 7 और 2 9 हटा दीजिए, 7 और 8 15 15 का ऑप्शन अंकों का योग आ रहा है बेटा कितना? 6। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन कौन सा राइट हो गया बेटा आपका? दैट इज सी। बोलो क्लियर हुआ सर? समझ में आई बात? चलिए अब इसके बाद एक केस और आता है, दूसरा तरीका। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कैलकुलेशन टफ होती है, तब क्या तरीका बताओ? तो एक तरीका आपको ये समझ आ गया बेटा। अब मैं सभी बच्चों को एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं, वो सुनिए। वो क्या है वो यहां पर देखिए, दूसरा तरीका और देखिए इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप बताइए बेटा इस क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप पहले लॉस को निकाल लो डायरेक्ट। तो आप बताओ लॉस हो कितने परसेंट कर रहा है? 32%। अरे बोलिए, और 32% किसका निकलेगा बेटा? सीपी का। सीपी कितना है बेटा? 1240। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? तो एक काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, एक काम करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ऑप्शन अगर दूर दूर है तो एक काम करते हैं, अप्रोक्स सिर्फ 2 को हटा के इसको 30 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 30% निकाल लेते हैं डायरेक्ट 1240 का, अप्रोक्स करो। तो परसेंटेज से 2 0 हटाओ, गुणा करो, 3 का 3 4 12, 12 36 और 1 37, इसका मतलब लॉस हुआ होगा अप्रोक्स 372 का। तो इतना पैसा और घटा दो तो आपका एसपी आ जाएगा अप्रोक्स, तो आपका एसपी आएगा 1240 माइनस 372। तो बेटा आप बताइए ये कितना आएगा? 10 में से 2 गया तो 8, और 13 में से 7 गया तो 6, और बेटा ये कितना बचा आपका? 11, 11 में से 3 गया तो 8। तो आपका जो आंसर है वो 668। लेकिन आप बताओ लॉस तो अभी 2% और बचा था, अगर वो लॉस और घटता तो आंसर इससे जस्ट छोटा ही तो आता। तो आपका वही ऑप्शन राइट होगा जो 868 से जस्ट छोटा होगा। तो 868 से जस्ट छोटा कौन सा राइट है बेटा? 843, क्योंकि वो उससे छोटा एक 820 है, लेकिन जस्ट छोटा कौन सा है? 843। खत्म क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई अब मैं आपको बहुत डिस्कशन कर लिया कैलकुलेशन वाली बात पर, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी जल्दी फास्ट। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सभी से। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज फास्ट। और यह है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद बेटा गौर से सुन लेना, इसके बाद आपकी क्लास होनी है राजपूत सर की, और राजपूत सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है? और उनकी क्लास के लिए वो आ भी चुके हैं,
और ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो जितने ही बच्चे हैं वो गौर से सुन लीजिए, आज से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन, ठीक है, और वही चैप्टर वाइज ही करेंगे सारी चीज़ों को। जैसा भी वो करेंगे वो आपको बता देंगे सारी चीज़। बस ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद सारे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है। गौर से सुनिए बेटा, देखिए भाई, बेटा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 वस्तुएं थी, उसमें से 25 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेच दिया, शेष वस्तुओं को 25% हानि पर बेच दिया। तो बताओ कुल हानि, बेटा याद करो, टोटल हानि अगर कभी निकालनी हो, टोटल परसेंटेज निकालनी हो, तो परसेंटेज वाला चैप्टर याद करो, प्लस वाला केस, और लास्ट क्लास ही देख लेना एक ही लाइन में आंसर। तो अगर आपको टोटल हानि निकालनी है तो क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म कर रहा हूं। कैसे? एक पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है। पहले आप बताइए, 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं बेची, तो 25 वस्तुएं 100 का 25% बन रहा है, यानी एक तरह से आपने 100 वस्तुओं में से अगर 25 वस्तुएं बेची हैं, तो एक चौथाई वस्तुएं बेची हैं, तो आपने एक चौथाई वस्तुएं बेची हैं, कितने परसेंट लाभ पर बेटा? 25% लाभ पर। तो लाभ का मतलब हो गया प्लस। बोलो एक ही लाइन में समझ आया आपको? अरे बोलिए, 25% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची हैं? एक चौथाई। तो टोटल लाभ कितना बनेगा? 25% इंटू एक चौथाई। अब बची कितनी वस्तुएं बेटा ये बता दो, तो चार में से अगर एक ही बेची थी तो बची कितनी बेटा? 3/4, और उनको बेचा गया 25% हानि पर। तो बेटा बताओ माइनस के 25% हो रहा है, विद साइन देखें तो हम, तो अब आप बताओ इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल आ जाएगा। बेटा आप बताइए, टोटल अगर मैं निकालूं तो 1/4 तो मैंने बाहर निकाल लिया बेटा, अंदर क्या बचेगा? प्लस 25, तो ये बचेगा प्लस 25%, और बेटा ये कितना बचेगा? माइनस का 75%। तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा बताइए? प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा माइनस का 50% / 4। 50 का 4 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 50 का 2 बार आधा कर दो, 50 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12.5% का लॉस। इट मींस यू आर हैविंग अ टोटल लॉस ऑफ 12:1/2%, यानी 12.5%। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। बोलो सभी को समझ आया? देखो फिर दोबारा बताता हूं समझना। आप बताओ 100 वस्तुओं में से अगर 25 वस्तुएं बेची हैं, तो आप बताओ ये 25 वस्तुएं 100 वस्तुओं का एक तरह से 25% भाग बन रही हैं, 25%, क्योंकि 100 पर जो चीज होती है वो परसेंटेज कहलाती है। 100 वस्तुओं में से अगर 25 वस्तुएं बेची, तो 25% माने एक चौथाई वस्तुएं बेची, और एक चौथाई वस्तुएं कितने लाभ पर बेची बेटा? 25%। तो टोटल लाभ कितना बनेगा? एक चौथाई इंटू 25%। अब कितनी वस्तुएं बच गई? 4 में से एक बेच दी तो कितनी बच गई? 3/4, और 3/4 वस्तुएं कितनी परसेंट हानि पर बेची हैं? शेष वस्तुएं 25%, तो उसका गुणा कर देंगे माइनस 25%। माइनस क्यों? क्योंकि हानि हो रही है। बेटा बताओ इस पूरी कैलकुलेशन करने के लिए 1/4 को बाहर निकाल लो, अंदर बच्चा प्लस 25 माइनस 75, तो ये कैलकुलेटर का आ गया माइनस 50 और 4। अब 50 का अगर 4 से भाग करें तो 2 बार आधा कर दो, दिमाग में कैलकुलेशन बेहतरीन, 50 का आधा एक बार करेंगे 25 और फिर आधा करेंगे 12.5। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 12:1/2% हानि। बोलो आज का सेशन सबको समझ आया क्या? अगर आपको आज का सेशन समझ आया होगा तो बहुत हद तक आपको क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो क्लियर हुआ? अगर आपको चीजें क्लियर हुई हैं तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास को करेंगे यहीं से स्टार्ट। अब आपकी रीजनिंग की क्लास होनी है। ओके बेटा, गुड नाइट, टेक केयर। और एक बात गौर से सुन लीजिए, जितने बच्चे लाइव ले रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लास में अगर करोगे, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे पुष्पिन सर पढ़ाएं, चाहे आपको कोई भी टीचर पढ़ाए, आपको अगर ऑनलाइन में अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, तो ये मेरी वादा है आपसे कि आप जब ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो आपको हर चीज हर टीचर की समझ आएगी, जहां भी आप जाकर पढ़ेंगे, जिस भी टीचर से, क्योंकि टीचर हमेशा हर कोई अच्छा होता है। ये नहीं है कि मैं अच्छा हूं, टीचर सारे ही अच्छे हैं। इस मथुरा के अंदर जितने प्रेजेंट में टीचर्स हैं वो सभी बेस्ट हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपका एक फायदा है, और वो फायदा ये है, और उस फायदे को मैं कर रहा हूं पूरी मेहनत से, कि ताकि अगर आप ऑनलाइन पढ़ें, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, तो जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने जाएं तो वहां पे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ आएं, इसलिए आपकी मेहनत कामयाब होगी आपके साथ। बोलो क्लियर हुआ? चलिए इसी मेहनत को करेंगे हम कल स्टार्ट। फिर दोबारा से मिलते हैं 8 से 9, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।